तो गाइस आप सबको और एक स्पेशल वीडियो में शैन के स्वागत है। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला है केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स की मैच की। यहाँ पर दो टीमों के प्लेइंग 11 और यहाँ पर की स्टेडियम बना है वो भी परोस देंगे भैया। मैच नंबर 30 केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स मैच के यहाँ पर दो टीमों को यहाँ पर बोल दिया है आप लोगों के यहाँ पर रोज देंगे। वीडियो जरिए इंपॉर्टेंट दो टीमों का फैंस के लिए वीडियो जरूर अंत तक बने। वीडियो के नीचे लाइक बटन देख रहा है, हिट द लाइक बटन। चैनल में ऐसी क्रिकेट रिलेटेड अपडेट, साइकिल रिलेटेड अपडेट्स पाना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सब कुछ अवेलेबल सब कुछ मिलती रहती है। तो गाइस यहाँ से वीडियो बढ़ते हैं आगे। मैच नंबर 30 केकेआर वर्सेस आरआर कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स भैया क्या ही धमाकेदार यहाँ पर मुकाबला होने वाला। कोलकाता ऑलरेडी दो में से मतलब पिछला दो मैच हार के आ रहे हैं और यहाँ पर राजस्थान बढ़िया एक टीम के तौर में यहाँ पर उठ के आ रहे हैं। तो भाई घमासान युद्ध होगा क्योंकि कोलकाता नहीं चाहती कि यहाँ पर हार का हैट्रिक हम करें और टीम में भी ज्यादा कुछ बदलाव मुझे नहीं लगता करेंगे। तो गाइस यहाँ पर प्लेइंग 11 जरूर बता देंगे। उसके आगे बोल देते स्टेडियम होने वाला, यहाँ पर खेल तो शुरुआत होने वाला है 7:30 बजे। 7 बजे टॉस होने वाली आप लोग बताए और 10:30 बजे यहाँ पर गेम स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर बोल देते हैं कि स्टेडियम होने वाला है यहाँ पर डॉक्टर डीवाई पटेल स्टेडियम में यहाँ पर होने वाला है पुणे के डॉक्टर डीवाई पटेल स्टेडियम में। तो गाइस ऑलरेडी यहाँ पर बोल देते हैं आप लोगों दो टीमों को प्लेइंग 11 भरोस देते हैं। यहाँ पर पहले आते हैं भैया राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 में। दो पहले से यहाँ पर बोल देते हैं यहाँ पर यशस्वी एसवाल और जॉस बटलर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो गाइस यहाँ पर यशस्वी एसवाल जॉस बटलर एज ए विकेट कीपर, 3 नंबर पे संजू सैमसन, 4th में यहाँ पर सिमरन हेटमायर, 5वां रियान पराग, 6 नंबर पे नथन कुल्टा नाइन, 7 नंबर पे आर अश्विन, 8 नंबर पे युजवेंद्र चहल, 9 नंबर पे ट्रेंट बोल्ट और 10 नंबर पे प्रसिद्ध कृष्णा और 11वें नंबर पे यहाँ पर देवदत्त पड़ीकल भैया यहाँ पर 11वें नंबर पे रखा। पर यहाँ पर 3 नंबर पे जरूर आप लोग घुसा लीजिएगा, मुझे लगता है यहाँ पर प्लेइंग 11 आप लोग पर बैटिंग के लिए 2 नंबर पे उतारेंगे। तो भैया यहाँ पर 3 नंबर पे इनको घुसा लीजिए। तो बस ऑलरेडी यहाँ पर बोल दिया। इसके बाद जल्दी आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेइंग 11। तो बस एक ही बदलाव मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी सोचेगी। तो गाइस दो ओपनर्स बोल देते हैं यहाँ पर वेंकटेश अय्यर और एरन फिंच। हाँ भैया एरन फिंच को फिर से चांस देना पड़ेगा क्योंकि भाई एक ही मैच खिलाया है। तो गाइस यहाँ पर चांस देके फिर से देखना पड़ेगा कैसे इनका फॉर्म है, कैसे खेलते हैं। 3 नंबर पे यहाँ पर है नीतीश राणा, 4थे नंबर पे श्रेयस अय्यर द कैप्टन अय्यर, 5वें नंबर पे यहाँ पर सेल्डन जैक्सन विकेट कीपर के तौर में, 6थे नंबर पे आंद्रे रसल द मस्तर बहुत ही बढ़िया इनका फॉर्म चल रहा है, 7वें नंबर पे यहाँ पर है मोहम्मद नबी। हाँ भैया यहाँ पर मैं यहाँ पर मतलब जो चेंज की बात कर रहा था यहाँ पर मोहम्मद नबी को 7वें नंबर पे खिला सकता है क्योंकि भैया एक स्पिनर के तौर में मुझे लगता है इनको खिला सकता है और यहाँ पर मतलब एक ऑलराउंडर भी हो जाएगा बैटिंग के तौर में क्योंकि भैया बैटिंग यहाँ पर थोड़ा कमजोरी दिख रहा है हमें। यहाँ पर मोहम्मद नबी को या भैया यहाँ पर पैट कमिंस को भी रख सकते हैं। पैट कमिंस भी यहाँ पर माइक हस भी यहाँ पर जो है यहाँ पर भरोसा जताना चाह रहे हैं। तो कहीं यहाँ पर पैट कमिंस ही रखने दीजिए, मुझे लगता है पैट कमिंस पे भी भरोसा जताएंगे। मोहम्मद नबी मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मुझे लगा था यहाँ पर पैट कमिंस को ही रखे। इसके बाद जल्दी जल्दी प्लेयर बोल देते हैं सुनील नारायण जो रहेंगे, इसके बाद जो है एक नए प्लेयर को यहाँ पर खिलाया था उनका पहला मैच, मुझे नहीं लगता फिर से देंगे। यहाँ पर शिवम मावी को उतारना पड़ेगा क्योंकि इंडियन प्लेयर के तौर में यही बेस्ट ऑप्शन रहेंगे बोलिंग में। तो शिवम मावी और यहाँ पर जो है लास्ट दो प्लेयर यहाँ पर बोल देते हैं उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती का हाल फिलहाल में यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है पर कम बैक, तो भैया सब प्लेयर्स का हक है। तो गाइस यहाँ पर मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती जल्दी से यहाँ पर कम बैक करते हुए दिख सकते हैं। तो गाइस ऑलरेडी यहाँ पर दो टीमों को प्लेइंग 11 आप लोग भरोसा दिया। वीडियो तक था, वीडियो को थोड़े फटक से लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, के चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पर आपको क्रिकेट सब कुछ आईपीएल सब कुछ मिलती रहती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत।